खबर शामिल करते हैं गोजरा से, जहां पर हमारे रिपोर्टर मोहम्मद हारून गुलजार की रिपोर्ट के मुताबिक गोजरा इंतजामिया की जानिब से गला मंडी में आढ़तियों से जबरदस्ती गंदम खरीदकर हुकूमत को देने पर जोर। गंदम खरीदकर ना देने वाले आढ़तियों को संगीन नतायज भुगतना होंगे। तफसीलात के मुताबिक तहसील इंतजामिया की जानिब से गला मंडी के आढ़तियों को सख्ती से गंदम खरीदकर हुकूमत को दिलवाने पर जोर दिया जाने लगा, जबकि गला मंडी के आढ़तियों की जानिब से एतराजात उठाए गए कि सारा साल हम लोग किसानों को जिन्स और खाद फराहम करते हैं, जिसका हिसाब भी किसान अपने जिन्स आने पर करते हैं, जबकि शहरी अफराद भी अपने लिए गंदम भी इसी गला मंडी से खरीदारी करते हैं। जबकि महकमा फूड और मुतल्लिका इंतजामिया की जानिब से गला मंडी के तमाम दरवाजों पर सख्त पहरे लगा दिए गए कि कोई भी किसान अपनी जिन्स गंदम गला मंडी में ना जा सके। हम मुतालबा करते हैं आला हुकाम से कि इस तरीके कार को रोका जाए, किसानों को मंडी में अपनी गंदम लाने की इजाज़त दी जाए। अगर ऐसा ना हो तो हम अपने एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। अंजुमन आढ़तियों को इनके जनरल सेक्रेटरी ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि महकमा फूड और मुतल्लिका इंतजामिया हमारे साथ ज्यादती कर रही है, जबकि किसान मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। छोटे किसान को अपनी जिन्स बेचने और ज्यादा मुनाफा लेने का मुकम्मल हक है, जिस पर हुकूमत नाके लगाकर किसानों से गंदम छीन कर अपने गोदामों को भर रही है। मोहम्मद हारून गुलजार, राइट न्यूज़।